छत्तीसगढ़ के कोरबा में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी के नेताम ने के निर्देशन पर 20 जनवरी शनिवार को जिला महिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में हसदेव अरण्य बचाओ रैली निकाली गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कुसुम द्विवेदी ने कहा कि आदिवासी समाज के हित के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी मुहिम चला रही है। नया कोयला खदान के लिए हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीण अध्यक्ष प्रभा तावर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समुदाय के हैं, उन्हें आदिवासी विचारधारा, संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं की जानकारी भी है। आदिवासी समुदाय जल, जंगल, जमीन के प्रति प्यार, समर्पण से मुख्यमंत्री भलीभांति परिचित हैं। देखें विस्तार से रिपोर्ट चित्रलेखा श्रीवास के साथ। मैडम जी, आज कोरबा में भारत जोड़ो अभियान का बैठक किया गया था, इसके संबंध में जानकारी बताएंगी। आज कोरबा में जिला महिला कांग्रेस ग्रामीण और शहर के द्वारा अहम बैठक कोरबा के जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक संपन्न हुआ, और इसमें जो अहम मुद्दा था, हमारे माननीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे कांग्रेस नेता हैं, हम उनके जो भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में अहम बैठक, और ये अपना जो मेन राहुल गांधी जी का मुद्दा था, ये हमारे गरीब आम जनता और जो अपनी दुख पीड़ा भोग रहे हैं हमारे आदिवासी भाई, इन सब को एक साथ लेकर जोड़ने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा संपन्न किया गया था, ये यात्रा हमारे राहुल गांधी जी। क्या लगता है कि भारत जोड़ो अभियान आगे बढ़ सकती है कि यहीं तक रहेगी? हमें तो देखा जा रहा है कि यहाँ तक मोदी अपन राज करना चाहती है, लेकिन यहाँ हमारे जो माननीय नेता हैं राहुल गांधी जी, कहीं ना कहीं हमारे आम जनता को लेकर छोटे से स्तर गरीब आम जनता को लेकर चल रही है, और ये हमें उनका अधिकार दिलाना है, ये लेकर सोचकर हमारे अभी राहुल गांधी जी जो मेन मुद्दा है, और ये कहीं ना जाकर ऊपर तक सफल साबित होगी, और हम महिला जिला महिला कांग्रेस इनका पूरा भरपूर समर्थन करते हैं, और ये इस यात्रा को हम संपन्न करेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रभा सिंह तंवर है, मैं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस ग्रामीण की और वर्तमान में सभापति हूँ, जनपद पंचायत का। आज दिनांक 2024 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, हमारी प्रभारी सुनीता सेहरावत जी एवं आदरणीय हमारी फूलो देवी नेताम जी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निर्देशानुसार आज हम लोग राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है वो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें एक जिला कोरबा जिला भी है। उनके स्वागत के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है और कैसे सशक्त हम उस रैली को अपने कोरबा जिला में बनाएं, इस पर हम सब महिलाओं के साथ मिलकर चर्चा किए। साथ में जो आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, जिसमें जल, जमीन और जितने वन्य प्राणी हैं उस जंगल में निवास करते हैं, जंगल की कटाई से ऐसे हो गया है कि उनको भी रहने की जगह नहीं मिल रही है, आबादी क्षेत्र में आते जा रहे हैं। साथ में जितने जंगली आदिवासी हैं उनका हक छीना जा रहा है, उस जंगल के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते थे, उनका सारा हक छीन लिया जा रहा है और उनको घर से बेघर किया जा रहा है। हम उसका तहे दिल से समर्थन करते हैं, और जो उन्होंने हक छीनने की कोशिश की है, हम तो चाहते हैं कि ना हक छीना जाए ना आदिवासियों की इस तरह प्रताड़ित किया जाए, और जब जब इस तरह होता रहेगा हम रैली के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सरकार को आगाह करेंगे कि उनका हक न छीना जाए, उन्हें परेशान न किया जाए। मैडम जी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आदिवासी समाज बहुत ही दिखने को मिलता है,
और कुछ क्षेत्रों में कहा जाए कि आदिवासियों का जो रख रखाव है उनका असुविधा हो रहा है, उन पर आप क्या पहल कर रहे हैं? आदिवासी जो ग्रामीण क्षेत्र में है, हम तो चाहते हैं कि उनका भी माने उत्थान हो और हम सरकार को गाहे बगाहे अवगत कराते आए हैं, हर जगह हर चीज़ के लिए हम उनको आगाह करते आए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेता आज उसी परिप्रेक्ष्य में आज गरीबों का जो आदिवासी वर्ग के हैं उनका हक न छीना जाए, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा निकली है इसीलिए निकली है। राहुल गांधी की रणनीति में आप क्या कहना चाहते हैं जो आदिवासियों का? उनकी रणनीति बहुत अच्छी है, वो ये चाहते हैं कि बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, गरीब आदिवासी को उनका हक मिले, महिलाओं पर अत्याचार ना हो, महिलाओं को हक मिले। जिस तरह मोदी जी ने पहली बार चुनाव लड़ने के समय कहे थे 15 लाख रुपए हम हर के खाते में देंगे, पर अभी तक 15 लाख रुपए क्या 1500 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आया। चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे भाजपा अपनाती है और हम ये नहीं चाहते कि इस तरह आदिवासी व्यक्ति जो सीधे साधे होते हैं उनका अधिकार छीने और उनको परेशान करें, इसलिए हम जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ खड़े रहेंगे। क्या लगता है आपको राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के दौरान? न्याय यात्रा में वो भारत के लोगों को और जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आप उनका भीड़ तो देखते होंगे टीवी के माध्यम से और हर जगह पे इतनी भीड़ रहती है कि आदमी को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। यदि लोग बोलते हैं राहुल गांधी को कितने लोग चाहते हैं, ये तो आप इससे समझ जाती हूँ। न्याय यात्रा से ये है लोग जागरूक हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है, सभी लोग ईवीएम हटाओ करके नारा दे रहे हैं क्योंकि ईवीएम के माध्यम से भाजपा जीतते आई है, जबकि वो ऐसे बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे उनका जीतना संभव हो जाएगा।